बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सनामित। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्रोनी फ्रूट सैलेड। मैक्रोनी फ्रूट सैलेड बनाने के लिए हमने यहाँ पे मैक्रोनी है ली हुई है, तकरीबन 1.5 कप मैक्रोनी ली थी और इसको बॉयल करके रखा हुआ है। इसके अलावा हमने 3 केले कट करके रखे हुए हैं, 2 बड़े साइज़ के आम लेके इनको कट करके रखा हुआ है। इसके अलावा एक छोटा टिन हमने फ्रूट कॉकटेल का लेकर रखा हुआ है। इसके अलावा 2 हमने सेब कट करके रखे हुए हैं और यहाँ पर हमने लिया हुआ मेयोनीज लिया हुआ है 4 टेबलस्पून के करीब। सफ़ेद मिर्च पाउडर लिया हमने 1/2 टीस्पून। कंडेंस मिल्क लिया हमने तकरीबन 6 टेबलस्पून और इसके अलावा क्रीम लिया हमने 1 पैकेट। चले फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। अब सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें मेयोनीज डालेंगे, सफ़ेद मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, क्रीम ऐड करेंगे, कंडेंस मिल्क डालेंगे, आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसको इस तरह अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें फ्रूट्स ऐड करते जाते हैं। फ्रूट कॉकटेल डाला है, एप्पल ऐड कर दिए, बनाना ऐड करेंगे, मैंगो ऐड करेंगे, मैक्रोनी ऐड करेंगे और ये सब डाल के अच्छे से मिक्स करते हैं। ये झटपट रेसिपी फ़ौरन ही तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर सर्विंग डिश में सर्व करेंगे। ये देखें, बस मिक्स हो गई अच्छे से बिल्कुल। बस इसे निकाल लेते हैं। फ्रूट सैलेड एकदम रेडी हो गई है। बस ये देखें, बहुत ही मज़ेदार किस्म की फ्रूट सैलेड रेडी हो गई है, मैक्रोनी फ्रूट सैलेड। अल्लाह हाफिज़।